टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ये सिलसिला बहुत जोरों शोरों से सुर्खियों में है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, या फिर किस किसने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं, ये सब तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन आज एक मेन सवाल हमारे पास खड़ा होता है कि टिकटॉक यूट्यूब से आगे है या यूट्यूब टिकटॉक से आगे है, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आप सभी का एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि टिकटॉक कभी भी यूट्यूब से आगे नहीं आ सकता। इसलिए नहीं क्योंकि वो चाइना का ऐप है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां पर कंटेंट क्रिएटर की कोई वैल्यू नहीं। टिकटॉक पर वायरल होने के लिए या तो आप अपना फिगर दिखाओ, या मेकअप लगाओ, या जेंडर चेंज करो, या फिर आपके पास आईफोन हो, या फिर आप किसी फैमिली की पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करते हो। लेकिन वहां पर किसी मिडिल क्लास पर्सन की या फिर किसी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन यूट्यूब पर ऐसा कुछ भी नहीं है। YouTube पर अगर आपको वायरल होना है तो आपको ना किसी मेकअप की, ना किसी जेंडर की, ना किसी पैसे वाले फैमिली की और ना आईफोन की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वहां पर चलता है तो सिर्फ आपका कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप जरूर वायरल होगे और आप जरूर आगे आओगे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास वरुण धवन। वरुण धवन को सेलिब्रिटी के रूप में सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। उनके यूट्यूब पर केवल 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। लेकिन अब यही बात करें हम राउंड 12 या बीवी की वाइंस के बारे में, तो उनके सब्सक्राइबर मिलियंस में हैं। और आप सभी को ये अच्छे से पता है कि उन्होंने किस फोन से, किस जगह से और कैसे शुरुआत करी थी, और ये दोनों ही लोग किस फैमिली से बिलोंग करते थे। अब इन दोनों की बायोग्राफी बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं, इन सबके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो मेरे दोस्त, ये बात तो पक्की है कि टिकटॉक कभी यूट्यूब की जगह नहीं ले सकता और ना ही कभी उससे आगे आ सकता है। लेकिन हाँ, टिकटॉक अगर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करे तो शायद वो अपनी जगह बना सकता है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आप सभी ने कैरी मिनाटी की वीडियो तो देखी है। सब घर में बंद पड़े हैं और दुनिया की फटी हुई है, लेकिन इस वक्त में भी कुछ टिकटॉक की बेटियां जिन्हें जबरदस्ती पंगे लेने की चुल मच रही है। अब देखो, मुझे कोई शौक नहीं है इनमें बार बार माथा फोड़ने का, लेकिन जब खुद ही कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि कुछ ना करूँ। इससे मिलो, ये है प्रोफेशनल टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी। इसने ना YouTube के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और उस पर उसके लाइक्स और उसका रेशियो भी दिखा है। और मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी सक्सेसफुल 100%।